दीर्घ मास हेला बंद रहिछि मंदिर। मांक दर्शन को भक्त आत्रो होइ पड़िलेनी। रोजगार नथिबारु दुर्दिनरे दुकानी खां खां। पश्चिम ओडिशार अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी मंदिर कोरोना कटकणा पई मंदिर दीर्घ 9 मास हेब बंद रहिछि। शीत दिने एठारे लक्षाधिक भक्तों भिड़ जमुला हेले एबे सुनसान पलटिछि माँ मंदिर। आउ जो किसी भक्त आसुछन्ति मंदिर गेट्रे ताला पड़िथिबारु बाहर दर्शन कर फेरुछन्ति। अन्यपटे मंदिर परिसर में दोकानी रोजगार ठप हो पड़ी। मार्च मस कोड लगे मंदिर बंद कर दिया दिखे भक्त मैंने आसुचन बहुत आसुचन निराश हो पलाऊन से बुझुते कोड ले किसी दिन मंदिर बंद है अच्छा ठीक है बल्कि हेल्ले जनता बंद अच्छे कोड कि देखा ना जीवार हेत देखा ना देवार हेल्ले मंदिर बंद अच्छे लोक मैंने दुख कण है कि मैंने कानी कुरी लोक जाऊन कि माँ के दर्शन कर ना टे बोलिक दुख जाऊन से मल है पार्क है मार्केट है सब लोग मैंने एत भिड़ हो सेन किए मास्क यूज ना करवार डिस्टेन्स मेन्टेन्स ना करवार सानिटाइजर किए ना करवार सेनु जदि एतक भिड़ होन कि ना हेबार मंदिर खुलने जो है भावुन सेन कि दुख कथ ना मंदिर तो बर्तमान तो कोरोना जिन हिसाब से स्टार्टिंग बढ़ीता बर्तमान बहुत कंट्रोल अच्छे बर्तमान देख बर्तमान आगर बाकी लोकों भी धीरे धीरे घर बाहर आरम्भ कले बर्तमान देख मंदिरटा समस्त तो धर्म प्रति विश्वास अच्छे तो लोक भी मन भितर समस्त उत्कंठ से जुगिचन के मंदिर खोलवा मंदिर खोले क्या महापुर के दर्शन कर पार मोर हिसाब से तो मंदिर खोलवा कथे। कोरोना कटकणा कोहल होता बेले पर्यायक्रमे दुकान बजार और मल खोल हेले यारी भितर 9 मास बीती सुधा कहीं सरकार मंदिर खोलिबा पर निष्पत्ति नेउना उठी प्रश्न। तुरंत राज्य सरकार समलेश्वरी मंदिर खोलिबा अनुमति दिंतु बोली दावी करछन्ती पूजक और व्यवसायी। अबे तो 9 मास पर्यंत अबे मार्च 22 रु बंद अच्छे मंदिर तापर मंदिर बंद अच्छे बोले बाहर मान भक्त दर्शन कर मानते संतोष लगुनि से निराश हो जाते पूजक लोक भी जिते अच्छा भी आर्थिक व्यवस्था भी कम अच्छे मान व्यवस्था खराब अच्छी जिते आम दुकान भाई मैंने बिजनेस जिते भितर बाहर जिते बिजनेस ढप अच्छे आम इस अनुरोध कर सरकार को कि मान खोल जाऊ कि दर्शक मानते भक्त मंदिर को आसन चल मैंने से दुकान भाई भी चलिए पूजक भी कहते चलिए से अनुरोध कर सरकार को केबे खोलिबा माँ समलेश्वरी मंदिर केबे पुणी माँ का दर्शन करिपारिबे भक्त ताकू नहीं उठी प्रश्न। संबलपुर वीडियो जर्नलिस्ट रोहित सिंह मौल भईंग रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।